हेलो फ्रेंड्स, जय बद्री विशाल। तो फ्रेंड्स, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो उसमें ऑयली और मसालेदार चीज़ें वगैरह खाने का बड़ा मन करता है। तो आज मैं फिर वही चने का छोला और पूड़ी मैं बनाऊंगी, तो उसी की मैं इसमें लग गई हूँ बनाने के लिए। और फिर मैं, आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने चना मैंने कुकर में डाला। यहाँ पर मैं कोई चाय पत्ती या गरम मसाला की पोटली नहीं डालती हूँ, कलर दिखाने के लिए। कोई किसी को, बाहर के लोग तो खाएंगे नहीं, घर के ही लोग हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बस ओनली नमक डाल दिया मैंने, और फिर पिंच भर सोडा डाल दिया ताकि आराम से मेरा पक जाए, बार बार चढ़ाना कुकर ना पड़े। तो फिर मैंने यहाँ पे कर दिया 5 सीटी आने के बाद में। तो फिर आप देख ही रहे हैं, एकदम अच्छे से पक ही गया मेरा चना। फिर भी मैंने दबा कर देख लिया कि कोई दिक्कत तो नहीं है, वरना फिर मुझे चढ़ाना पड़े। तो फिर यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया, प्याज को छल्ले के रूप में थोड़ा काट लिया। उसके बाद में तेल गरम किया, उसमें हींग और जीरे का तड़का दिया, और फिर उसके बाद में प्याज डाल दिया। यहाँ पर मैं कोई ग्रेवी अलग से या प्यूरी तैयार करके नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्ट इसी प्याज में ही मैं बनाऊँगी मसाला। और फिर आगे उसको ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए मैं क्या करती हूँ, आप देखिएगा मेरा आइडिया। तो ये यहाँ पर मैं प्याज को गुलाबी कर रही हूँ। उसके बाद में फिर मैंने इसमें टमाटर डाला, तो 3 टमाटर पड़े हुए थे जो फ्रिज में, बस वही मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने, अब यहाँ पर मैं गरम मसाला डालती हूँ, और उसके बाद में छोला मसाला फिर मैंने डाला। गरम मसाला जब पोटली में मैं डाल देती हूँ, जैसे लगता है कि मैंने मिसयूज कर दिया। तो यहाँ पर इसके बाद में फिर मैंने उसमें पानी डाला, और पानी से फिर मैंने उस मसाले को भूनना स्टार्ट किया। नमक मैं पहले से ही डाल चुकी हुई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने मिर्च भी नहीं डाला है, क्योंकि फिर उस दिन लास्ट टाइम मैंने जो मैक्रोनी बनाया था, मैंने भर भर के मिर्च डाल दिया हुआ था, बाद में बड़ा चीख रहा था मेरे ऊपर, तो मैंने आज उसमें थोड़ा ध्यान रखा। उसके बाद में फिर पानी से छान छान के बॉयल चने को फिर मैंने डाल दिया। उसे मिलाने के बाद में फिर मैं ने एक बाउल लिया, बाउल में कुछ उबले चने मैंने बचा लिए हुए थे, उनको मैंने मैश कर लिया, और इसी को फिर मैं छोले में डालूंगी, क्योंकि इसको डालने से ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। कुछ लोग आलू भी डालते हैं, लेकिन फिर मैं नहीं डालती हूँ, मैं चना ही इसका डालती हूँ। बहुत अच्छा इसका स्वाद भी आता है और गाढ़ा भी हो जाता है। और उसके बाद में जो बाकी बचा हुआ पानी था उबला वाला, उसी को ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पानी अपने अनुसार ही करना है, कि अगर गाढ़ा करना है, अगर पूड़ी वगैरह के साथ करना है तो आप गाढ़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अगर चावल के साथ है थोड़ा ज़्यादा लगता है। उसके बाद फिर मैंने अभी को निकालने के बाद में फिर मैंने अपने में खूब मिर्चा भर भर के डाला। तो फ्रेंड्स, मेरा छोला तैयार हो गया। और उसके बाद में मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई मैंने रख दिया, और गर्म हो गया तुरंत। फिर मैंने अग्नि देवता के लिए 2 टिक्कियाँ मैंने निकाल लिया, और उसके बाद में मैंने उनको समर्पित कर दिया। उसके बाद में फिर मैंने एक एक करके पूड़ियाँ डालना स्टार्ट किया। पूड़ियाँ भी बड़े खुश थी, वो भी आराम से फूल रही हुई थी। एक दौर मेरा ऐसा भी चल रहा था कि मैं उसको लाख जतन कर रही हुई थी, लेकिन बड़े प्यार थे, लेकिन वो फूलने का नाम ही नहीं लेती थी। और अब तो ऐसा भी हो गया है कि कैसे भी बेलन चलाओ फूल ही जाती हैं। पारंगता शायद कुछ आ गई है मुझ में, तो देख रहे हैं ना, बड़ी खुश हो जाती हूँ मैं कि हाँ, अब मैं शायद पारंगत हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर मेरा पूरी पूरी तरीके से सब फूल फूल के, मतलब मुझे और ज़्यादा खुश कर दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा शायद ज़्यादा तारीफ़ कर दिया, तो इन्होंने फूलने से थोड़ा बहुत मना कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इनको मैं किनारे कर दूँगी। इसको फिर बाद में मुझे ही खाना होता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे घर में सब मना ही कर देते हैं, बस उन्हें फूली पूड़ियाँ ही चाहिए हैं। तो अब इसके बाद में ये फूल गई, और उसके बाद में फिर हमारा यहाँ पर मैंने अपना सजाना धजाना शुरू कर दिया, और ये सजा वजा के फिर मेरी छोला पूड़ी और ये सब साथ ही नींबू और प्याज के साथ मेरी तैयार है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।